नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो टुडे एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभी समय बहुत अच्छा होता है, अपने आप ही सब काम बनते जाते हैं। कभी टेंशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी बहुत हार्डवर्क करने पर भी रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता, कभी सब कुछ अच्छा लगने लगता है और कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ करने का मन नहीं करता। ग्रहों के गोचर दशा अंतर दशा के अनुसार ऐसा होता रहता है। तो आइए जानते हैं जुलाई मंथ में कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। 2 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि स्वराशि में आ रहे हैं। 12 जुलाई को शनि कुंभ से मकर में आएंगे। 13 जुलाई को शुक्र मिथुन में आ जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 जुलाई को ही बुध भी कर्क राशि में आ जाएंगे। 28 जुलाई को गुरु मीन राशि में वक्री होकर आ रहे हैं। 31 जुलाई को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन्हीं सब ग्रहों के गोचर के आधार पर हमने आपका जुलाई मंथ का राशिफल तैयार किया है। मीन राशि की बात की जाए तो करियर के दृष्टि से यह महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। महीने के शुरुआत से ही ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। बृहस्पति का स्वराशि होकर आपके फर्स्ट हाउस में बैठना आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके करियर को मजबूती प्रदान करेगा। जॉब में चल रही सभी तरह की परेशानियां अब दूर होंगी। नई जॉब ऑफर्स भी आपको मिल सकती हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके प्रमोशन के योग बनते हैं और साथ ही स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको भी नई जॉब्स के ऑफर आएंगे। वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान खूब बढ़ेगा। रुके हुए सभी काम पूर्ण होंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम करते हैं उनको धन लाभ होगा, आमदनी अच्छी रहेगी। आप में से कुछ को गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। 11th हाउस के लॉर्ड शनि का 12th हाउस में बैठना आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। अपने खर्चे पर नजर जरूर रखें, अत्यधिक खर्च करने से बचें, क्योंकि कुछ फिजूल के खर्चे आपके जरूर होंगे। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा धन लाभ करवाएगा। यदि आप कुछ निवेश करना चाहते थे तो ये समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए फेवरेबल नहीं है। फिर भी यदि आपको इन्वेस्ट करना पड़े तो आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लें। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हुए आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पुरानी बीमारी आपको दोबारा परेशानी में डाल सकती है। यदि कोई ऑपरेशन पेंडिंग था तो इस महीने आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने खान पान पर भी आपको खास ध्यान रखना होगा। इस दौरान तला भुना खाने से बचें। जुलाई महीने में प्रेम संबंधी मामलों के लिए समय सामान्य रहेगा। आप में से कुछ को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ छुटपुट लड़ाई झगड़े के योग बनते हैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके रिश्तों में खटास आ सकती है। जो लोग विवाहित हैं उनके आपसी टकराव इस समय थोड़ा कम हो जाएगा और स्थितियां थोड़ी सुधरेंगी। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा समय गुजारेंगे और जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। परिवार में यदि कोई पुराना विवाद चला आ रहा था तो इस समय बढ़ सकता है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी आपस में तनातनी रह सकती है। इस दौरान आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत रहेगी। मंथ के एंड में सभी तरह के विवाद धीरे धीरे सुलझने शुरू हो जाएंगे और परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के लिए गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। इस दौरान घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह को अनदेखा ना करें। उपाय के तौर पर अपने गुरुजनों का सम्मान करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। आपको विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं। प्रतिदिन योग प्राणायाम करना आपको मानसिक तौर पर और स्वस्थ रखेगा। साथ ही सुबह शाम ओम मंत्र का जाप करें। सुबह शाम घर में ओम मंत्र गूंजता रहे, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। ओम मंत्र का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। रात को सोने से पहले मन को शांत करके सोएं, ताकि आप अगले दिन के लिए तरोताजा उठें। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को रोटी खिलाइए और साथ ही आप 7 अनाज मिलाकर पक्षियों को डालें और उनके पीने के लिए पानी भी रखें।
ऐसा करने से ग्रहों के दोष दूर होते हैं। कोई गरीब यदि आपसे कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, उसे कुछ खाने को दें या कुछ पैसे दें। अपने आसपास ध्यान रखें, कोई भी जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद करने से ना चूकें। ये सब कीजिए और देखिए आपका ये महीना कितना शानदार जाने वाला है। आप स्क्रीन पर आ रहे इस ओम मंत्र के लिंक पर क्लिक कीजिए, सुबह शाम घर में चलाइए और घर से हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म कीजिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसके अलावा यदि आप अपनी पर्सनल प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार।